काम कर दो, ठीक है? ओके सर, लास्ट हाँ का और बता दीजिए सर। ठीक है। तो वो सब देखो, आपके पास जो है ना ये सब आएंगे हाथ में काम, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। जब तक वो चीज आपको अधूरी ही रहने वाली है ना। जब काम आएगा वो हाथ चीज में तो जो हाथ में हैंडसेट होना, तब तब प्रॉब्लम आएंगे, मालूम गिरेगा। क्या जब हाथ में प्रॉब्लम मोबाइल आएगा तभी मालूम गिरेगा कैसा क्या करना वही चाहिए। तो बात कर रहा हूं ना मैं, कि आप लोगों को यहाँ से 1 साल का सपोर्ट बोला गया है, जिसमें आपको जितने भी प्रॉब्लम आएंगे मार्केट में, जो भी काम आएगा, आप बस सपोर्ट लेकर काम कर लो। क्या आपको ग्रुप में सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताओ। मिल मिल रहा है रहा सर। है सपोर्ट, मिल रहा है काम हो रहा है आपका, कोई हाँ सर, प्रॉब्लम क्लास से रिलेटेड कोई चीज से मिल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है? रहा क्लास कैसे लग रहा है भाई आप लोगों को ये बताओ। अभी तक मैंने आपको इतना क्लास स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ाया है, तो क्लास जो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि आपको क्लास इतना अच्छा लगेगा कि आप बोलोगे सर 5,000 की क्लास 50,000 की होनी चाहिए थी। और बताओ ये चीज सही है या गलत है। पैसे भले ही कम हो 5,000, लेकिन बताओ मुझे इसका जो आपको जितना भी मैंने नॉलेज दिया वो किस लेवल का नॉलेज था, सभी बताना आप लोग। हाँ माइक का सर, आपका एक नॉलेज सेकंड कितना सर, बड़ा माइक का क्लास है किसी क्या? मुझे पता का नहीं। डिस्टरबेंस आ रहा है सर। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? ठीक सर है। हाँ तो भी सर ये पे वाला क्लास चलवाएगा तुम्हारा? ये पे वाले क्लास चलवाएगा क्या आपके? हाँ ये आपको क्या लगा गोकुल, ये मेरा अपग्रेड क्लास नहीं है, ये जो रात में मैं ऑनलाइन पे वाला क्लास है ना उसमें आपको ज्वाइन किया, ठीक है? सर और जैसे देखो यहाँ पर एक चीज सोचो, ये तो हमारा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट था जो गोकुल है या फिर राहुल है, इसमें दो लोग है, ठीक है? ये मेरे पास के पुराने स्टूडेंट है, जब इनके पास वो टाइम पे एमवीपी का काम नहीं था, जब क्लास नहीं था उनके टाइम पे, मैंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन किया है। एक बार आप इनको पूछ लेना, गोकुल क्या आपसे पैसा लिया गया मैंने क्लास ज्वाइन करने के लिए फिर से? रिक्वेस्ट नहीं सर, नहीं सर, रिक्वेस्ट किया 2 बार हो गया काम। किए, रिक्वेस्ट भी नहीं करते, खाली एक बार बोलते भी सर हाँ बस रिक्वेस्ट ज्वाइन भी कर नहीं लो करता, वो फोन भी ज्वाइन करो कर दो, बस यही बोलना पड़ता बस। राहुल को भी यही बात बोलना। सर आपने कहा था सर कि जब भी आप एमआई पे लेंगे तो ऑनलाइन क्लास में आ जाना, मेरे को याद देना, सिर्फ वो क्लास में तुम्हारे को ऐड कर दूंगा। राहुल तो ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, फिर से तीसरी बार से मैं इनको अपडेट क्लास दे रहा हूँ। तो राहुल बताना आपको यस क्या सर, 2 बार में पैसे लिया गया आपसे अलग से? देखो नहीं सर, मेरे पास का काम ऐसा है कि आप एक बार जुड़ गए, अगर आपको समझ में नहीं आया क्लास, सेकेंड टाइम दूसरे क्लास में फिर से जुड़ जाना मेरे साथ। आपको खाली जब लग रहा है ऐसा कि हाँ सर मेरे को थोड़ा सा ये चीज में दिक्कत आई थी, आप मुझे अगर आपके क्लास फिर से, अगर ये ऑनलाइन वाला क्लास चलेगा उसमें वो सब्जेक्ट मुझे सीखना आपके पास, मैं आपको फिर से कनेक्ट करूंगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। करते सर तोफिक जो सर, ये क्वेश्चन, हाँ बोलो तोफिक मैं सर। तो ऑफलाइन वाला वाला टॉपिक सर मेरा भी देखो यही बोलना था कि ये एमपी का थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मेरे को भी ऐड कर दीजिएगा खाली उसकी मीपी के जरूरत लिए भी नहीं बाकी। पड़ेगी, ठीक है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको ग्रुप में सपोर्ट दे रहा हूँ, आप काम बस ग्रुप में डाला करो, जो भी काम आ रहा है आपके पास, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक ग्रुप है में सर, शेयर करो, मैं आपको वहां पर सजेस्ट करता हूँ कैसे करना है। नहीं हुआ तो मैं आपको ठीक टीमवर्क पे आके सपोर्ट करूंगा। एक चीज, एक अगर एक काम मैंने एक बार बता दिया बनाने का तरीका, अब आपके पास वो बन गया, तो क्या सेकेंड टाइम फिर से वही चीज का सपोर्ट चाहिए क्या आपको? नहीं सर, वो एक ही नहीं। बार में हम याद कर आप लेंगे, खुद से वो बना तो लोगे, रिकॉर्ड थोड़ा भी सा है। जरा ठीक कैमरा वैमरा ऑन करिए जरा आप लोग, ठीक है? तो मैं ठीक आपसे बात कर रहा हूँ, है, जब तक आप मैं करेंगे। दिख नहीं रहे हो तो किससे बात कर रहा हूँ, जरा बात तो करेंगे, ठीक है? तो कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि इसमें दो तीन फ्रेशर है, कौन है यहाँ पर फ्रेशर, जैसे कि अशराफ, अशराफ आलम, कुंज हाँ जी, कुशवा, ये दो लोग जो यस है सर, थोड़े से वीक है, आपको एक बार में क्लास अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मत सोचो यार 5,000 चले गए, ठीक है? पांच नहीं हजार की सर, मैं बात तो नहीं है बीचों यहाँ में पर, था। आप हमसे जुड़े हैं, वही हमसे हमारा लिए वही है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आज नहीं है कल के क्लास में फिर से आ जाना, मतलब कोई
क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी क्लास रहेगी, अगर आपको ये चीज में समझ में नहीं आया, काम कर लो, सपोर्ट भी लो, फिर भी कहीं ना कहीं अगर फंस रहे हो, फिर से जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक तो सक्सेस नहीं करेंगे। मैं खुद आपका हाथ हाथ नहीं छोड़ूंगा भाई, आप लोग क्या है ये, आप लोग काम करते रहो। इसकी गारंटी तो मैं भी देने वाला हूँ। ये मेरे पुराने इनसे खुद आप रिव्यू ले सकते हो मेरी क्लास के बारे में, कैसे क्लास चलती है मेरी, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा क्लास सपोर्ट देने का तरीका। सर हाथ नहीं जोड़ते, कोई भी सर हाथ नहीं जोड़ते। हाँ तो आप लोग भी कभी भी ऐसा ना समझो कि तौफीक सर से कुछ चीजें रह गई है, कुछ पढ़ना बाकी है, फिर से जुड़ जाना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप बिल्कुल भी हिचकना नहीं कि सर से पूछो ना पूछो, बिंदास पूछो, ठीक है? सर वो लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक के क्लास के अंदर आप लोगों को मजा आया नहीं आया, मैं एक एक से पूछता हूँ, आप लोग एक से जवाब दो। सब लोग बोल रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक एक करके मैं आप लोगों से मेरी थोड़ी फीडबैक चाहिए मेरे बारे में कि आप लोग का मेरे साथ कैसा रहा अभी तक का सफर, ठीक है? सही है या नहीं है? फोन फिक्स के बारे में मतलब आप फोन फिक्स चुने हैं, फोन फिक्स को आपने चुने हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको जो क्लास दिया कि वो आपका सही डिसीजन था या गलत था, आप लोग एक बार एक्सप्लेन करना। तो एक बार आइनुद्दीन जो है सबसे हसमुख इंसान यहाँ पर है, जो देखकर अच्छा लगता है, इनसे इंस्पिरेशन सीखिए सब लोग कि कभी भी स्माइल रखा करो, चाहे कोई भी कंडीशन रहे, चाहे समझ में आओ ना आओ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक ऐसा है कि स्माइल करके रहना है, चीज समझ में आ जाएगी, एकदम माइंड को फ्रेश रखना है, याद रखो। तो आइनुद्दीन थोड़ा सा कुछ आप बताना कि आपको क्लास लेकर कैसा लगा? सर मेरे को क्लास लेके बढ़िया लगा, आपका बात करने का तरीका मेरे को अच्छा लगा, आप जो सिखाते हैं सब वो सब अच्छा लगता है मेरे को सर। जो चीज मैं बता रहा हूँ लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ या खाली ऐसी थ्योरी बोलकर छोड़ दे रहा हूँ क्लास, ऐसा कुछ है? नहीं 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 सर, आप जो बताते हैं सब वो लाइव देख के बताते है, लाइव करके बता रहा है सर। लाइव आकर और सामने खड़े होकर आपके सामने, कोई ऐसा तो नहीं है कि वीडियो चला दिया मैंने क्लास का, आप ये वीडियो देखते रहो बस लाइव आकर? नहीं सर, नहीं सर, आप नहीं जो सर, नहीं सर। बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस जो है ना 1500 में पढ़ा रहे हैं, 2000 में भी पढ़ा रहे हैं, पता है आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी किया है, कोई 15000 भी ले रहा है, कोई 30000 भी ले रहा है। अब जो 2000-1500 वाले हैं, इन लोग क्या है, इन लोग जो है ना आपको खाली एक लिंक देते है, आप वो लिंक वीडियो खोलो, बस उसमें सेक्शन होते है, आप वो चीज देख कर सीख लो। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कोई सीख सकता है कोई काम बिना कोई गुरु? गुरु नहीं है, आप खाली हमसे जुड़ जाओ, लिंक देता हूँ, क्लास देखकर सीख लो। नहीं सर, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। आपको वीडियो की जरूरत है, आपको गुरु नहीं होता है ना। मैंने दो बार मैंने वो आपका वो जुबेर भाई जो सिखाता है ना, मैंने दो बार उसका, ठीक है नाम मत लो, ठीक है बस आप बोलो क्या है, जो भी है किसी से लिया हुआ है, ठीक है? सब मेरे चाहने वाले लोग हैं, सब जितने भी बाहर सब मेरे दोस्त लोग हैं, तो इसके लिए आप किसी का भी नाम मत देना यार। नहीं मैंने वो इसके खराब नहीं बताऊंगा, मतलब उससे जो सीखने को मिला मेरे को, आपको कंप्यूटर का ड्राइवर वगैरह सब इंस्टॉल करके उसका वो यूएसबी से रिलेटेड सारा बता देता है। हमारे जो जुबेर भाई है, जो हमारे दोस्त है, वो सारे यूएसबी से रिलेटेड वाले बता देते हैं, सॉफ्टवेयर वाले, ठीक है बेसिक चीज है, लेकिन उनका वीडियोज होता है सारा कुछ, है ना? सारा वीडियो भेज देता है। लेकिन अब मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये बताओ कि आपको वीडियो से सीखने मिलेगा या किसी गुरु से सीखने मिलेगा? अगर हमारी जो परेशानी है, देखो वीडियो में जो होता है वो तो वो जो चीज है सामने वही बताने वाला है, जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो हम किससे पूछे, वो वीडियो तो आंसर नहीं देगा आपको। अगर आप पूछेंगे हर हर वीडियो में अलग अलग किसी अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, किसी क्या प्रॉब्लम रहती है किसी क्या, आप एज एडी कंडीशन आपकी प्रॉब्लम आपके पास क्या है ये मालूम नहीं रहता किसको, ठीक है? हाँ तो भी तो वीडियो के इसमें अपन एक ही इसमें वीडियो के इसमें चले जाते, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा तो आपको वीडियो से सीखने वाली कोई चीज है नहीं। आप जब तक आप किसी के सामने बैठोगे नहीं, कोई टीचर से बात करोगे नहीं, अपने दिल में क्या क्या प्रॉब्लम आपने जमा करके रखे है वो उसका आंसर जब तक नहीं लोगे,
जब तक आपका कोई काम क्लियर होने वाला नहीं, जब तक आपके डाउट कोई क्लियर होने वाले है क्या? नहीं सर, नहीं होने वाले। तो उसके लिए क्लास किस तरह से होना चाहिए, वीडियो के साथ होना चाहिए या कोई टीचर के साथ होना चाहिए? टीचर के साथ होना चाहिए। तो अब ये बताओ, आप लोगों को ऐसा कोई फीलिंग तो नहीं हो रहा है कि भाई हम ऑनलाइन बैठकर पढ़ रहे हैं या वीडियो देखकर सीख रहे हैं? ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि ये ऑफलाइन ही है सर, सामने बैठे हुए और ये काम क्लास ऑफलाइन जैसा चल रहा है? ये बात तो आप सर बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है ऑफलाइन ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सामने बैठा हुआ है यार, मैं उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करके क्लास ले रहा हूँ, है ना? डायरेक्ट ही है, ठीक है। तो ये बात है कि बाकियों में और अभी में फर्क कितना लग रहा है आपको क्लास में, जो दूसरे लोगों का भी कंपैरिजन करेंगे और मेरे क्लास के हिसाब से? अब ये बताओ, किसी के और से क्लास लेने पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? किसी और से जरूरत पड़ेगी क्लास की? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। अगर फिर से जरूरत अगर पड़ेगी भी तो मैं हूँ। देखो, अगर फिर से क्लास पड़ेगी किसी और से लेने से बेटर है, अब मुझे चुनो, फिर से मुझसे क्लास ले लो फ्री में, ऐसा क्यों लगाओगे आप दूसरे के पास? ये भी सपोर्ट है हमारे साथ, और क्या चाहिए बताओ? 5,000 और क्या चाहिए सर? कुछ बता ही नहीं है, पूछेंगे क्या? सब हो गया। देखो भाई लो, मैं बताता हूँ, संजीव थोड़ा आपसे पूछ लेता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे क्लास से रिलेटेड आप बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ? हमारा जो एक्सपीरियंस है, अभी जो आपने स्टार्टिंग से कराया और अब तक करवाया, अब मेरे पास जो सवाल थे ना वो खत्म हो गए, वो सवाल पूछने के लिए है ही नहीं। तो जो बढ़िया आप ना? सीखना चाह रहे थे मेरे से, हाँ, वो आपको मिल रहा है? क्लियर हो गया जी, वो सारे सवाल मेरे खत्म हो गए, और जब सवाल ही खत्म हो गया तो फिर क्लास भी पूरा हो गया मेरा। आप एक चीज ये बताना, आप ज्वाइन होने से पहले क्या मतलब, आप मतलब क्या सोचकर ज्वाइन हुए थे कि फोन फिक्स ही ज्वाइन होना है और तौफीक सर से ही क्लास लेना है, ऐसा क्या आपके माइंड में आया था? आप बहुत सारे लोग थे पढ़ाने वाले, बहुत सारे लोग क्लास भी लेते, या फिर आप दिल्ली में बहुत सारे जाकर भी क्लास ले सकते थे, ऑनलाइन ही मेरे से क्यों लिए? जी मुझे लगा सर यूएफएस के बारे में ना, मुझे जब आपने वीडियो डाली, मैंने यूट्यूब से देखा था आपका वीडियो यूएफएस वाला, तब से जब आपने वहां समझा रहे थे ना, तब मैंने समझा कि हाँ बेस्ट नॉलेज है यहाँ से, मुझे यूएफएस कंप्लीट हो सकता। मतलब आप मेरे से जुड़ने के लिए सबसे पहले मेरा वीडियो देखे, और उस वीडियो में वीडियो जिस तरह क्लास मैंने आप लोगों को समझाया, हाँ, जिसमें बनाने का तरीका, हाँ, आपको ऐसा एक्सपेक्ट हुआ कि यार ये टीचर का बात करने का जो समझाने का तरीका है ये हमारे समझ में आ रहा है, ऐसे सोचे? वो सही है। कितने लोग है आप भी है, आपके अलावा इसमें और कितने लोग है जो मुझे वीडियो में देख कर मेरी क्लास सीखने के लिए आ गए? मैं तो बोलूंगा इसमें से सभी लोग ऐसे होंगे जिसने वीडियो देखकर ही सब लोग मुझसे ज्वाइन हो गए, वो यूपीएस का जो क्लास का मैंने वीडियो डाला था उसी से, जी 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 वही वही से आप लोग ने ये चीज आपने ज्वाइन होने का सोचा है कि फोन फिक्स ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सर मीपी टेस्टर बॉस तो ले लिया, अब उसे चलाने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों को ना यूएफआई सिखाने आता है, जो ट्रेनर की बात कर रहा हूँ मैं, उनको यूएफआई के सिवा कोई बॉक्स चलाना नहीं आता, इजेडेक थोड़ा बहुत समझा दे सकते हैं, मीपी भी कुछ ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते। मैंने आप लोगों को किस तरह से समझाया, प्रॉपर नॉलेज दिया, डीप नॉलेज के साथ? ऐसा तो नहीं है ऊपर ऊपर से बता के छोड़ दिया, देखो ऐसा होता है वैसा होता है देख ले कर लो, या करके दिखाया आप लोगों के सामने? मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया सर, प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रॉब्लम आता है वो भी बताया, कैसे प्रॉब्लम आता है कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया गया आपको? वो हाँ सर, जी सर। क्या खाली क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सॉल्व होगा? हाँ, तो आप लोगों को बताओ क्लास के रिलेटेड के हिसाब से, कोई भी अगर मेरे से क्लास अगर सीखना चाहे आपके अलावा भी, क्या वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है? घर सीख जाएगा सर, सीख जाएगा, घर बैठे सीख सकता है आराम से, क्या चाहिए था? मतलब जो चीज आपको चाहिए था, आपको चीज मिला या नहीं मिला या अधूरा रह गया,
या कुछ चीजें छूट गई है मेरे से, ऐसा कुछ है क्या? सर मुझे जो चाहिए था उससे तो बहुत, मतलब क्या बताओ, तीन चार गुना ज्यादा मिला है। बिल्कुल बिंदास हाँ। बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, नहीं सर, ज, ज, सर वही बात बता रहा हूँ, ज्यादा ही मिला है। लेकिन तो सोचकर आए थे उससे ज्यादा मिला हाँ, उससे तो ज्यादा ही मिला है। लेकिन जैसे हम लोग का जब स्टार्ट हुआ, यूएफआई हो या ईजीजीटेक हो या एमपीए, उससे स्टार्ट होने से पहले ही जो हम लोग का जो पैसा 5,000 रुपया दिया गया है वो पहले से ही वसूल हो गया। हम लोग तो काम करते थे अच्छा। लेकिन हमको इतना डीप से, जैसे बेसिक से डीप से ही नॉलेज नहीं था। काम तो हम यूएफआई में भी करते थे, बोल रहे हो सब कुछ करते थे। आपका 5,000 क्लास ज्वाइन होने के टाइम ही वसूल हो गया है ना? बाकी हाँ, ये तो काम जो बता रहा हूँ ये तो बहुत लेवल एडवांस लेवल का है हाँ। इसका अगर यूएफएस प्रोग्रामिंग करोगे किसी हाँ। को तो 5,000 तो ऐसे ही मिल जाने, 3-4 हजार तो ऐसे ही मिल जाने एक के पीछे। और एक बात सर, आप बता रहे थे हाँ, ये वो तो सही है, आप बता रहे थे कि कोई सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, और कोई सीख लेगा, लेकिन हमारे रे में हम नहीं बताएंगे कि तफी सर के पास जाओ, नहीं तो वो मेरा जी सब। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जिसके मुकद्दर में जो चीज लिखा हुआ कस्टमर वो उसी के पास जाएगा, तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे देखकर आपके एरिया में और कोई और नहीं, 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 और आपका नहीं, मार्केट खराब करे, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ऐसा कुछ बहुत सारे टीचर है, लेकिन सर टीचर मिलना बहुत मुश्किल। देखो ये 5 उंगलियां होती है, 5 उंगली सेम साइज के नहीं होती है, ठीक है, होती एक जगह है, लेकिन एक जैसे है क्या ये 5 उंगली? नहीं है ना। नहीं, तो आपके एरिया से भी सेम अगर कोई बंदा आ जाए, उसके दिमाग का हिसाब से वो अपने नॉलेज में कितना ले सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? आप कितना ले रहे हो, वो कितना ले सकता है, वो मार्केट में आपसे काम ज्यादा करेगा या कम करेगा, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना, काम पे फोकस करना है, बस मेरे पास से कस्टमर रिटर्न आ जाए। हेलो सर, हाँ ये वाला मेरे को बता दीजिए ना, मैं इसको करूंगा, क्या क्या चाहिए इसके लिए? ये लोगो अटका हुआ, ये पोको X2. कौन सा मॉडल है? X2 पोको। पोको X2 CPU भी बोल किया हुआ है आपने? नहीं नहीं, वही तो मेरे पास तो भी कुछ नहीं उस दिन बोला। अभी मेन पहली जो चीज है उनके पास हार्डवेयर का इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। मेरे पास हार्डवेयर में कर सकता हूँ, हार्डवेयर मेरे को कर लो, पहले CPU रिवॉल्व कर लो उसका, पहले CPU रिवॉल्व कर लो। सबसे ज्यादा X2 में अपडेट के बाद एक तो लोगो पे अटक जाएगा, या तो एक तो कैमरा, या तो एक तो उसका टच बंद हो जाता है अपडेट के बाद, ठीक है, तो CPU से सॉल्व हो जाता है। तो आपने पोको X2 बोल दिया, कोई भी यहाँ पर बंदा है उसको पता है कि पोको X2 का प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है। यहाँ पर होता क्या है, देखो ईएमएमसी के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ जाए लोगों में तो हम सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यूएफएस में हैंग ऑन लोगो या रिस्टार्ट प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले सीपीयू और यूएफएस पे काम करना पड़ता है, फिर बाद में सॉफ्टवेयर पे करना पड़ता है, यहाँ उल्टा हो गया है ना। लोग को क्या लगता है कि ये पोको X2 है, यूएफएस है, इसमें भी लोगो आ गया, चलो सबसे पहले फ्लैश करते, लेकिन प्रॉब्लम कहां से निकलता है? हार्डवेयर से, है ना। आप लोग ने काम किया नहीं किया पोको X2 के ऊपर? किया था मैंने, किया किया। तो ज्यादा प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होता है इसमें? नोट 10 में भी वही बीमारी है, मोजिटो जो नोट 10 पर आता है उसमें भी क्या है, सिस्टम UI रेस्पॉन्डिंग लिख कर आता है नीचे अपडेट के बाद, MIUI 13 डालने के बाद सिस्टम UI रेस्पॉन्डिंग लिखकर आता है, लेकिन लोगों के माइंड में क्या होता है कि यार अपडेट से हुआ ये प्रॉब्लम, तो सॉल्व भी उसी से होना चाहिए सॉफ्टवेयर से, लेकिन होता कहां से वो? जी CPU रिवॉल्व करने से। तो लोग यहां कर ये अगर ये नहीं होंगे IC का लिया के और सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, IC निकाल के सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा या क्या? सॉफ्टवेयर नहीं डालना है, सिर्फ रिवॉल्व करके लगा देना है CPU को वापस। ओके सर, इतना खाली है? हाँ उतना ही करना है, कोई फ्लैशिंग नहीं। हाँ अगर CPU रिवॉल्व के बाद भी सेम कंडीशन पे अटक रहा है, उसके बाद आपको फ्लैशिंग का काम करना पड़ेगा, UFS निकाल के करो, अगर आपके पास UFS अडेप्टर है तो निकाल के करो, अदरवाइज आप ऑनलाइन में जाकर क्या है 200-300 रुपए ऑनलाइन ले लेंगे, अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है तो 200-300 रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन से भी आप करा सकते हो।
ठीक है। अगर नॉर्मल काम करने से सर मेरे कौन सा बक्स चाहिए मेरे को? फिलहाल तो आप यूएफआई बेसिक पे काम करो, ठीक है। आप ईएमएमसी पहले सीखो, यूएफएस के बाद में बात करो। पहले तो आपको काम ईएमएमसी पे करना है, क्योंकि आपको ईएमएमसी ही नहीं पता किस तरह करना, आप पूरा फ्रेशर हो, है ना। आप 2-3 महीने, 1-2 महीने काम करो यूएफआई बॉक्स के ऊपर, फिर अपडेट लेना मेरे से, फिर से क्लास ले लेना यूएफएस के बारे में। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, अभी तो प्रॉब्लम नॉर्मल सर, जैसे एफआरपी की बाईपास आता है, ये सब तो आता है बीसी तो, और तो बात का बात ही है। तो आप ये जब भी काम आ जाए बेसिक काम, आप ग्रुप में डाला करो मॉडल के साथ, चिपसेट के साथ। हाँ जी। और आप मुझसे पूछा करो सर ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं नहीं, कोई भी यहाँ पर ग्रुप में है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को बात करो ये चीज है कहाँ से होगा, पहले आप खुद को अपडेट करो, ठीक है, टेंशन वाली बात। चलो अभय सेने, आप भी बताओ थोड़ा सा, आपको कैसे लगा क्लास के अंदर, आपका काम हो रहा नहीं हो रहा है बताओ, सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है, क्लास किस तरह से चल रहा है? सर सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, क्लास भी अच्छी हो रही है। अब जैसे अटेंडेंस था वो, जैसे मैंने किसी से बात की कि सर ये दिक्कत आ रही है, उन्होंने कहा कि ये होगा ही नहीं, इसका बोर्ड चेंज होगा। अच्छा, उन्होंने मुझे 2000 रुपये खर्चा बताया। अच्छा, फिर मुझे आपकी बात एकदम से याद आई कि बोर्ड नहीं, एमटी के सीपीयू में अपन डायरेक्ट फ्लैश से भी हो जाता है बिना एएमसी फाइल के। फिर आपने बताया मुझे, मैंने वैसे ही वैसे किया, फोन ऑन हो गया। अच्छा, इसमें एएमसी स्पेशल फाइल की जरूरत नहीं पड़ती आपको, बस क्या होता है, हाँ, कॉम्पेटिबल आईसी लेना होता है, फ्लैश फाइल डालना होता है, फोन ऑन करना होता है, बस इतना ही है जी सर। तो इसमें ना बोर्ड का प्रॉब्लम, खर्चा आपको ना कुछ, आपको एकदम इजी लगा था काम करने में? बिल्कुल सर, इजी, एकदम इजी हो गया। जो आपने मेथड बताया ना, उस मेथड से मैंने किया। अच्छा, मैं वो अगर आप क्लास नहीं लेते तो वो क्या वो फोन आपसे बन पाता पहले? नहीं सर, वो नहीं बन पाता, मैं दूसरी शॉप से ही करवा के लेके आता उसको। मतलब आप वहाँ पे भी उन्होंने कह दिया था कि बोर्ड चेंज होगा, काम कर रहे थे। अब ये चीज बताओ, अभी ये क्लास के बाद ये सारे जो जितने भी क्लास हो गया, अभी आपको किसी के पास जाकर काम कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, अब मैं नहीं जा रहा। ये नहीं सर, मैं जैसे पहले के कुछ डर था, वो डर ऐसे निकला। मैंने कल नोट 10 किया, सीपीयू और रैम दोनों बना करके निकाल के लगाई है, उसको चालू किया फोन को। अभी डर निकल गया क्लास के बाद तो सब हर चीज आप कर सकते हो सर? डर बिल्कुल डर निकल गया सर एकदम से। मैंने आपको ये सब चीजें जो समझाया, किसी में भी कोई भी काम में रिस्क है क्या, ये चीज बताओ? नहीं सर, डेड रिस्क किसी से मैंने बोला कि ये चीज नहीं करना चाहिए, इससे डेड हो जाएगा, कभी भी कोई चीज बताया मैंने आपको? डेट वाला चीज, डेट आपके माइंड में होता है, काम करने में होता है, डर होता है, इसको हम डर बोलते हैं, वही है, है ना। और डर एक बार निकल जाए तो डेट भी हट जाएगा, डेट भी हो गया तो चालू हो जाएगा। देखो कोई भी चीज अगर डेट हो जाती है ना तो चालू भी होती है, परमानेंट डेट नहीं होती, वो टेम्पररी डेट होती है, किसी फाइल से या कोई गलत मेथड यूज करने से वो चीज डेट हो जाती है। तो क्या वो हमेशा के लिए डेट रहेगी? अगर आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज है सारा चीज, आप उसको कर सकते हो, प्रोग्रामिंग करना आता है, डम्ब रीड एंड राइट करना आता है, लून पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, डेडवुड रिपेयर करना आता है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गई तो आप आराम से कर सकते हो कोई भी काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, किसी के पास ले जाकर पैसा देकर किसी से करवाना है आपको अभी काम, या खुद कर सकते हैं? तो फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ क्लास से? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रहा है, हो गया, हो रहा है नहीं, हो गया सर, हो गया हो गया, अभी तक तो बहुत कुछ कर लिया। देखो क्लास जितना मैंने 10 दिन का बोला था, आप लोग ज्वाइन हुए थे, ये बताओ मुझे सब लोग कितना दिन का आपको क्लास बोला गया था? 10 दिन के लिए, 1 महीना हो गया। कितना दिन का क्लास ले लिया अभी तक मैंने? 1 महीना हो गया, ठीक है। चलो 1 महीना तो हो रहा है, 1 तारीख से चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ छुट्टियां भी थी। वो छुट्टियां अगर हटाकर भी अगर मैं आपको खाली क्लास की बात करूं तो कितना क्लास हो चुका है? मैंने अभी तक आपको वीडियो जो इसमें डाला था वीडियोस की, क्लास की वीडियो एक बार मैं दिखा देता हूँ। 12 डाले तकरीबन, 12-14 हुआ, 12 डाले। एक मिनट देख लेता हूँ मैं अभी तक मैंने कितना क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मैंने डे 13 तक रखा हुआ है, ठीक है, डे 13 तक रखा हुआ है। और इसके अलावा अभी मैंने बीच में नेट मेरा बंद होने की वजह से मैंने बीच में वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, तो
और देखो कितने क्लास की आपको मिल रही है, ये हो गया 14, ये हो गया 15, 16, 17, टोटल आज की क्लास मिलाकर कितनी वीडियोस हो रही है, 17 वीडियोस, मतलब 17 दिन की क्लास हो गई है। और कितना दिन का बोला था आपको क्लास का? 10 दिन। तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि यार कुछ भी ऊपर नीचे छोटा थोड़ा बहुत पढ़ाकर 10 दिन के अंदर खत्म कर दे रहा हूँ क्लास को? नहीं सर, एक ऊपर थोड़ा बहुत बता बता कर क्लास को 10 दिन के अंदर खत्म करने के बारे में ऐसा आपको लगा है कि 10 दिन के अंदर खत्म कर रहा हूँ मैं? नहीं सर। उल्टा आप लोगों को ऐसा लग रहा है यार, सर और जितना बताएंगे उतना अच्छा लगेगा, है ना? तो मेरा का एक मेरा रूल है, मैं दिन की सबसे काम नहीं करता हूँ। मैं भले ही आपको 10 दिन का क्लास बोलकर ज्वाइन किया हो, लेकिन मेरा अगर 10 दिन के अंदर वो टॉपिक नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा दिन देता हूं जिसमें मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मतलब मेरा बोलने का ये है कि मेरा कंप्लीट जब तक नहीं होता काम, जब तक मैं आप लोगों को छोड़ता नहीं हूं। ऐसा ही है? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है चलो यार बस हो गया, अभी 10 दिन का बोला गया था, 17 दिन हो गए, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी और 2 दिन लेने वाला हूँ। हाँ सर। बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? जी जी बोल रहा है सर। ये चीज की गारंटी है कि कभी भी आपसे कोई चीज का सेक्शन जो है तो छुपा ही नहीं जाएगा, कोई चीज आपसे हाइड हो रहा है, ये सब चीजें बता रहा हूँ क्लास के रिलेटेड सब चीजें बता रहे हैं। प्रॉपर चल रहा है। ये बताओ अभी टाइम कितना हो रहा है रात के, सब लोग बता रहे हैं। कितने बज रहे हैं अभी? 12। कोई टाइमिंग के ऊपर भी रोक टोक है क्या? नहीं, इतने ही घंटे पढ़ाऊंगा मैं। नहीं सर, एक ही घंटा पढ़ाऊंगा ऐसा बोलकर क्लास था क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आप लोग भी देखो, आप लोगों को किसी को नींद तो नहीं आ रही है क्लास के अंदर? ऐसा तो नहीं है बोरिंग, तो बोरिंग हो रहा है ऐसा कुछ हुआ कभी किसी के साथ क्लास में? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। क्लास का टाइम भले कितने 12 बजे देखो काम कर रहे हो आप लोग, अभी भी माइक्रोस्कोप पे अमित बैठे हुए है, ठीक है काम चल रहा है उनका, फिर भी देखो काम से बोर कोई नहीं होता है क्योंकि सीखने मिल रहा है हर चीज, और आप लोगों को वो चीज अच्छा लग रहा है कि एक्स्ट्रा और मिले, और क्या मिल सकता है? आप लोग के माइंड में वही चल रहा है ना कि और तौफीक सर क्या बता सकते हैं और इसके अलावा और एक्स्ट्रा में जो मार्केट में कोई नहीं करता? काम तो हम पहले से कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप तो ऑलरेडी बहुत दिन से करते होंगे, सब काम करते होंगे, लेकिन जो चीज मैंने क्लास में बताई है क्या उसमें कुछ डिफरेंट आपको काम के अंदर? हाँ अभय सैनी का वॉइस खराब था, ठीक है माइक में मैंने बंद कर दिया। तो आप लोगों को जो चीज सोचकर आपने मेरे से कांटेक्ट किए ज्वाइन हुए, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए आप लोगों के यहाँ पर। आपका माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, माइक बंद कर लो आपका। हाँ सही कर दो, ठीक है ठीक है। तो सभी को क्लास अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। किसी को कोई कंप्लेन है बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर किसी को कोई क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम लगी या मजा नहीं आया या उनको नहीं समझ में आया या ऐसा कुछ है इसमें, कोई कोई तो नहीं है? नहीं है सर, मेरे को तो सही लगा 100 में 100। सभी को सेटिस्फाइड है आप लोग मेरे से? हाँ बढ़िया है। अच्छा, मैं तो 2010 से काम करता हूँ मगर इतना सीखने के लिए नहीं मिल रहा था, अभी मिल रहा है। 2010 से काम कर रहा हूँ मैं तो। फिर भी देखो कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है आपको क्लास लेने के लिए? आपका दुकान बंद करके जाना पड़ रहा है क्या? नहीं सर, घर बैठे आपको जो 40-50 हजार की फीस जो इंस्टीट्यूट वाले लगाते है, आपको वो चीज 5 हजार में मिल रही है सीखने के लिए, आराम से मिल रही है सीखने के लिए। बहुत सारे लोग के माइंड में ऐसे है, बहुत सारे ये भी बोलते हैं अरे ऑनलाइन नहीं सीख सकते भाई, आपको ऑफलाइन ही सही है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑनलाइन वाले में बहुत सारे लोगों में डिफरेंट है। क्या मैं वो लोगों में से आपको लग रहा हूं कि वही लोग में से हूं मैं जो ऑनलाइन में आपको खाली वीडियो दिखाकर आपको क्लास पढ़ाते है या आपको पैसा लेकर थोड़ा बहुत बताकर खत्म कर देते है, ऐसा कोई आपको लगा मेरे साथ में कभी भी? नहीं सर। उल्टा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया, आप लोगों के पास तो वीडियोस भी है, क्या आपको वीडियोस नहीं मिल रहा है क्लास का?
बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, वीडियो को परमिशन नहीं देते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है ये बताओ, आप क्या एक बार में सीख जाओगे जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे? नहीं सर, नहीं सीख सकते। मैं कोई गलत चीज आपको सिखा रहा हूँ जो आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? नहीं सर, भाई आप लोगों का उसको आप लोगों का फायदा किस में बताओ? एक बार क्लास लेने में फायदा है कि उसके साथ रिकॉर्डिंग भी चाहिए? रिकॉर्डिंग चाहिए सर, चाहिए ना भाई। आप लोग वो चीज को रिवाइज कर कर सीख सकते हो। अब ये रिकॉर्डिंग किसी और को देंगे आप? मुझे पे मुझ पे तो इतना, मुझे तो आप पे इतना भरोसा है कि आप क्लास की वीडियो किसी को नहीं दोगे। ये लोग लीक करते हैं, मतलब लोग ये परमिशन इसलिए नहीं देते कि लोग किसी और को वीडियो देंगे, हमारी क्लास का वीडियो किसी और को देंगे और वो हमारी क्लास का वीडियो। देखो मैंने अभी वही बोला, सिर्फ वीडियो देखकर सीखने वाला कोई नहीं है। भले मेरा वीडियो आप किसी को भी देंगे तो वो वीडियो से सीख नहीं पाएगा जब तक मेरे से बात नहीं करेगा वो। समझ में आ रहा है? बराबर। मुझसे वो बात नहीं करा और वो चीज मुझसे आकर डायरेक्ट नहीं सीखा तो क्लास देखकर सीखने वाली कोई बात है क्या? नहीं। तो मुझे वो चीज का डर नहीं है, इसके लिए मैं आप लोगों को परमिशन देता हूँ या मैं खुद देता हूँ कि लो वीडियो ले लो, आप सपोर्ट लो, वीडियो का सपोर्ट करो, इस पे क्लास रिवाइज करो, मेहनत करो, है ना? या फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आए फिर से जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम है? फिर से पैसा मांग रहा हूँ मैं हम लोगों को कभी कि जुड़ जाने? नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो ये चीज है हमारे साथ। देखो हम लोग सपोर्ट इस तरह से दिया जाते हैं। अब आप लोग जुड़ने से पहले बहुत आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पता नहीं 5000 में सर क्या पढ़ाएंगे, कैसा होगा, या बाद में और फिर से किसी के पास जाना पड़ेगा, ऐसा भी लगा हो सकता है आप लोगों को। लेकिन आज जितना दिन हो गया है, आज आपको पहले दिन की फीलिंग आ रही है क्या कि पहले दिन आपको माइंड में था, आज वो नेगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में है क्या अभी? नहीं, मैंने तो 2-3 दिन के बाद ही बता दिया आपको। आज ये ऐसा सोच रहे हो कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा है? सही जगह लगा है। सही लगा है, सही सर, एकदम सही। चलो ठीक है, मुझे बस वही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग आगे बढ़े, काम अच्छा करें, सपोर्ट लें। सपोर्ट अगर नहीं लेते ना ग्रुप में, अगर शांति दिखती है ना मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, उल्टा है मेरा काम। ओके सर, मैं हमेशा जो है ना ग्रुप में ना थोड़ा सा ना मतलब वायलेंस होना चाहिए काम का, भाई काम ये आया वो आया, ऐसा करना है वैसा करना है, सोल्यूशन चाहिए, बांटो, सोल्यूशन दो, जिसने जो बनाया वो ग्रुप में शेयर करो। इससे खुशी मिलती है मुझे कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, काम करके पोस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, सीख के कुछ सीखकर मुझसे सीखने के बाद। देखो जैसे कि अभय सैनी ने 2 फोन ग्रुप में डाला हुआ है, जितना उनको खुशी हुआ ना उससे कई गुना मुझे खुशी हुआ। समझे बात? जितना वो 2 फोन बनाकर वो सोचे कि यार ये चीज मैंने बना लिया और मैंने सीखकर ये काम किया था, प्रॉपर तरीके से मिला तो पैसा सही तरह सही जगह लगा और सीखने भी मिला, काम सही हो रहा है, तो उनको जो खुशी हो रही होगी उससे कई ज्यादा खुशी मुझे हुई थी जब इनका मैंने पोस्ट देखा कि इन्होंने बना दिए। ठीक है, तो एक खुशी होती है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो आप लोगों से सबसे वही उम्मीद रखूंगा मैं कि ग्रुप में आप लोग डिसिप्लिन, एक तो डिसिप्लिन होनी चाहिए, दूसरा काम जो भी आएगा ग्रुप में शेयर करो, बना के भी डाले हो, सपोर्ट लेके करे हो या सपोर्ट मांग रहे हो, सब ग्रुप में होगा। ठीक है, और ऐसा ना हो कि यार टीचर से रिप्लाई नहीं मिला कभी। देखो हम लोग भी कभी कभी बिजी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, कई वहां पर दिन भर बिजी होते हैं तो उस वक्त में कभी हम कॉल उठा नहीं पाते या मैसेज का रिप्लाई दे नहीं पाते। तो हम लोग जब हम फ्री हो जाते हैं टाइम, जब हमें फ्री मिलता है टाइम, उस वक्त हम रिप्लाई देते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास कोई कस्टमर अर्जेंट खड़ा हुआ है, 1 घंटे में बना के देना है या आधे घंटे में देना, और मेरा रिप्लाई नहीं आया, फिर आप लोग वहां पर आपके दिमाग में नेगेटिव बातें शुरू हो जाती है, यार टीचर ने सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, तो मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि देखो जो भी काम अगर आप कर रहे हो, जो चीज आपसे नहीं हो रही है, कस्टमर से उससे टाइम ले लो, ऑन द स्पॉट बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप उस चीज बना सकते हो तो ऑन द स्पॉट बना के दे दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो मेरे से नहीं होगा, सर से सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, तो उस वक्त क्या करोगे आप कस्टमर के साथ? टाइम लेना पड़ेगा, एक दिन मैक्सिमम आपको टाइम लेना पड़ेगा। यार आप क्या बोलोगे,
यार ये काम मेरे से हो नहीं रहा है, सपोर्ट सर से सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, और सर सपोर्ट अगर दे दिए तो अच्छी बात है इमीडिएटली, या वो सर बिजी होंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उससे बेटर ये है कि कस्टमर को एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लो। क्या रुकेगा नहीं रुकेगा कस्टमर? रुकेगा सर, रुकेगा भाई, आप पे भरोसा है, आप अच्छा काम कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, और आप बना के देने की गारंटी दे रहे हो, तो आप बना के आपसे लेगा वो, एक दिन क्या दो दिन रुकेगा आपसे, है ना। आजकल जमाना ऐसा हो गया है भाई, बड़े फोन है, बड़े फोन लोग जो है ना अच्छे लोगों के पास दे रहे और टाइम लगने दे रहे, बनाओ खराब मत करो, बना के दो। पहले क्या होता था भाई, लोगों के पास छोटे छोटे फोन थे, वहां पर पैसा जिसके पास कम था वहां जाते थे, आज वो नहीं है, आज पैसा नहीं देख रहे, आज लोग देख रहे कि काम अच्छा कौन करता है। मेरा मोबाइल की वाट खराब ना करे, वाट ना लगाए, डाटा है, लोग बोलते भाई हमारा डाटा नहीं जाना चाहिए, अच्छे से बनाओ, लोग खराब कर देते, सीपीयू खराब कर देते, बोर्ड फुगा देते, कुछ ना कुछ कर देते, नॉलेज नहीं होने की वजह से, इसके लिए लोग डरते हैं देने के लिए कि यार ये इसको नॉलेज है ही नहीं, पता नहीं। तो आप लोग अपना जब आपका खुद का जो काम मार्केट में दिखाते हो तब आपका नाम बनता है, वहां से आप जो है ना सारा काम करते हो, आपके पास कस्टमर रुक के आता है, आपके पास 8 दिन देगा लेकिन आपसे बनाएगा। तो पहले नाम, पहले काम अच्छे से नॉलेज सीख लो, फिर नाम बनाओ आराम से, फिर आप उस लेवल में काम कर सकते हो मार्केट में बैठकर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था, और अभी देखो टाइम तो वैसे 12:15 हो गए, ठीक है, अब जाकर आप लोग अभी घर पे, सब लोग घर पे ही है, कोई दुकान पे बैठे? घर पे सर, घर पे ही है। अच्छा आपका सेटअप, आपका सेटअप घर पे ही है क्या? नहीं नहीं, शॉप पे, डेली 1:30-2 बजते है यार। देखो इतना काम होता है, जिनके पास ज्यादा काम होता है वही बंदा लेट होता है, ठीक है। मैं भी अभी आया। वही तो देखो काम आप लोगों का ज्यादा है, इसके लिए आप लोग लेट आते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है तो क्लास के लिए आते हैं, क्योंकि उनके शायद शॉप पर नेटवर्क नहीं है या वाईफाई नहीं है, तो घर पे आकर नेटवर्क लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कल से EZX स्टार्ट करूंगा, कल मैं सारे बेसिक क्लियर करूंगा, 2 दिन के अंदर क्लास हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको सपोर्ट ही मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट से काम चलते रहेगा, ठीक है। आपकी क्लास की वजह से मैंने मीटिंग ले लिया। कल मैं भी डाल दूंगा, अपलोड करूंगा, टेंशन मतलब वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, सारे वीडियो आ जाएंगे।